हेलो एवरीवन हाँ जी गुड इवनिंग राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को जी राम राम जय हिंद भाई सभी को एक बार बताइए अपनी वॉइस वीडियो अंकित मिलन सैम स्वीटी मनीषा रश्मि मंजीत और रोहित शर्मा जी राम राम भाई सभी को खुशी शर्मा जी राम 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 भाई सभी को कैसे हैं आप सभी एक बार वॉइस वीडियो ज़रूर चेक करके बताना कैसी है वॉइस वीडियो जय हिंद भाई जय हिंद राजेंद्र जी राहुल कैथल से जय हिंद गुड इवनिंग वॉइस वीडियो ठीक ठाक है ना अपनी आज अपनी जो है सेकंड क्लास है दूसरी क्लास है एमएस ऑफिस से रिलेटेड ठीक है ना एमएस ऑफिस से रिलेटेड अपनी सेकंड क्लास है और एमएस ऑफिस के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और एमएस वर्ड हम पढ़ रहे हैं ठीक है ना एम एस वर्ड यानी के वर्ड प्रोसेसर हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़ पढ़ रहे हैं वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे हैं भाई और वर्ड प्रोसेसर क्यों क्यों यूज़ करना चाहिए इसके फीचर पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले इसको इसलिए यूज़ करना चाहिए फीचर्स पढ़ेंगे आज हम इसके स्टार्टिंग से कि हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए राहुल मिशाहू रोनी मोनिका जी जी सभी को गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग गोलू राम राम भाई जय हिंद पंकज भाई सुनील वर्मा गुड इवनिंग राहुल जय हिंद भाई जी जी सभी को जय हिंद राम राम भाई देखो क्लियर है बात यहाँ तक हम वर्ड प्रोसेसर के क्या पढ़ रहे हैं फीचर पढ़ रहे हैं हम वर्ड प्रोसेसर क्या पढ़ रहे हैं हम फीचर पढ़ रहे हैं भाई ठीक है, है ना क्लियर बात है तो देखो आ जाओ स्टार्ट करते हैं ये अपनी बुक के बारे में जानकर ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध है मार्केट में इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है बुक अपनी और हिंदी मीडियम भी अपनी बुक कंप्यूटर वाली ये बुक अवेलेबल है मार्केट में जो कि आपकी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में बेनिफिट्स बेनिफिशियल होगी ठीक है तो देख सकते हैं अब जी राम राम भाई रेड एप्पल पूजा नरेंद्र राजन सोनी सभी को राम राम तो आ जाइए आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं यहाँ से जो है आज हम शुरू करने वाले हैं हमने ऊपर पढ़ लिया था टाइटल बार होता है क्विक लॉन्च आइकन होते हैं सेव होता है फाइल पढ़ लिया था उस साइड हमने जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रीस्टोर पढ़ लिया था आज हमने देखना है स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं वो है होम टैब कौन सा टैब है होम टैब है जो हम हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं और होम टैब में सबसे पहले क्लिप बोर्ड टैब है पोट टैब है और पैराग्राफ टैब है इसके अंदर ये पांच टैब है पांच टैब होते हैं इसके अंदर होम टैब के अंदर कौन से कौन से एक तो होता है आपका सबसे पहले क्लिप बोर्ड कौन सा होता है क्लिप बोर्ड दूसरा होता है आपका पॉइंट तीसरा होता है आपका पैराग्राफ क्या होता है पैराग्राफ चौथा होता है आपका स्टाइल चौथा होता है आपका स्टाइल और पांचवा होता है आपका इसके अंदर एडिटिंग ये आपके इसके अंदर क्या होते हैं ग्रुप ऑफ कमांड्स होती हैं ठीक है ना ग्रुप होता है कमांडों क्या होता है ग्रुप होता है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भाई थ्योरी क्लास है तो कमांडो का क्या होता है इसके अंदर ग्रुप होता है भाई तो सबसे पहले जो हम जिक्र करने वाले हैं होम टैब का हम जिक्र कर रहे हैं और होम टैब के अंदर सबसे पहले जिक्र करेंगे क्लिप बोर्ड ग्रुप का कौन से ग्रुप का क्लिप बोर्ड ग्रुप का सबसे पहले जिक्र करेंगे ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को एम एस ऑफिस करवा रहा हूँ नरेंद्र जी में एम एस ऑफिस पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना तो देखिए अब जो ये क्लिप बोर्ड है जो क्या है क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड में होता क्या है क्लिप बोर्ड में क्या होता है क्लिप बोर्ड में कॉपी किया गया मटेरियल क्लिप बोर्ड पर चला जाता है कॉपी किया गया मटेरियल कॉपी किया गया टेक्स्ट ये मटेरियल कहेंगे कहेंगे इसको कॉपी किया गया मटेरियल मटेरियल क्लिप बोर्ड पर चला जाता है कहाँ चला जाता है क्लिप बोर्ड पर चला जाता है कहाँ चला जाता है क्लिप बोर्ड पर चला जाता है कॉपी किया गया मटेरियल ठीक है ना क्लिपबोर्ड बोर्ड पर चला जाता है अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं अब हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं देखो अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे पूछा जाएगा क्लिप बोर्ड जो ग्रुप ऑफ कमांड्स होती हैं क्लिप बोर्ड जो ग्रुप ऑफ कमांड्स होती हैं इसके अंदर कौन सी कमांड नहीं होती या कौन सी कमांड होती हैं तो इसके अंदर कौन सी कौन सी कमांड होती है सबसे पहले कट कमांड होती है कौन सी कमांड होती है कट होती है जिसकी शॉर्टकट फॉर्म कंट्रोल प्लस एक्स होती है कंट्रोल प्लस एक्स होती है कॉपी कमांड होती है जिसकी शॉर्टकट फॉर्म कंट्रोल प्लस सी होती है कंट्रोल प्लस सी जिसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है क्लियर है बात सभी को हाँ जी अगर किसी को कोई डाउट है जैसे राहुल कैथल से हैं इनको डाउट है अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना सात चालीस चालीस सात छः दो आठ एक पर व्हाट्सअप कर देना भाई ठीक है ना अगर कहीं लगता ना आपको थोड़ा सा इधर उधर तो सात चालीस चालीस सात छः दो आठ एक पर व्हाट्सअप कर देना इसके बाद इसमें नंबर एक पर कट है नंबर दो पर कॉपी है और नंबर तीन पर इधर है पेस्ट क्या है इधर पेस्ट है जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस वी होती है क्या होती है कंट्रोल प्लस वी होती है और इस पेस्ट के अंदर ही इस पेस्ट के अंदर ही क्या होता है पेस्ट स्पेशल होता है इसी पेस्ट के अंदर क्या होता है पेस्ट स्पेशल होता है यानी कि अलग से अगर पेस्ट करना हो तो पेस्ट स्पेशल होता है किसी दूसरे फॉर्मेट में पेस्ट करना हो तो हमारे पास क्या होता है पेस्ट स्पेशल होता है और जो ये पेस्ट स्पेशल होता है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की क्या होती है वी होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl Alt क्लियर होगी बात अब आती है बात फॉर्मेट पेंटर की किस चीज़ की बात आती है फॉर्मेट पेंटर की बात आती है फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है जो आपका फॉर्मेट पेंटर है इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ मैं जो आपका क्या है ये रहा फॉर्मेट पेंटर आपका तो फॉर्मेट पेंटर है इसमें लिख ही रखा होगा फिर तो फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस सी होती है पहले कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस वी होती है पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस सी है और फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस वी है ठीक है ना फॉर्मेट में शिफ्ट है और पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या है आल्ट है पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या है आल्ट है भाई ठीक है ना तो यहाँ से ये चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं आपसे पूछा जाएगा क्लिप बोर्ड पर कितनी कॉपी पेस्ट हो सकती हैं इस पर जो है क्लिप बोर्ड पर इस पर एक से चौबीस कॉपी तक एक से चौबीस कॉपी तक चौबीस तक कॉपी पेस्ट हो सकती हैं ठीक है ना एक से चौबीस कॉपी तक क्या हो सकती हैं पेस्ट हो सकती हैं यानी कि जा सकती हैं रुक सकती हैं कह लिए सेव हो सकती हैं कह लीजिए सेव हो सकती हैं एक से चौबीस कॉपी तक इसमें क्या हो सकती हैं सेव हो सकती हैं भाई ठीक है ना बात क्लियर हुई क्लिप बोर्ड कमांड की बात क्लियर होगी आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में, जा जा में से कौन सा ऑप्शन क्लिप बोर्ड में नहीं होता या निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन क्लिप बोर्ड में होता है ठीक है ना इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्लिप बोर्ड का पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा क्लिप बोर्ड कौन से टैब में होता है क्लिप बोर्ड कौन से टैब में होता है तो होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑफ कमांड है जिसके अंदर कट है कॉपी है पेस्ट है फॉर्मेट पेंटर है ठीक है ना और पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल भी है बात समझ में आ रही है अभी आ जाते हैं फॉन्ट के ऊपर कहाँ जाते हैं font पे आ जाते हैं अभी फॉन्ट पे तो फॉन्ट में देखेंगे ये फॉर्मेट पेंटर वाला मामला था कि फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है ये इस तरीके से होती है ठीक है क्लियर है बात सभी को अब इसके बाद फॉन्ट वाला मामला आ जाता है किस चीज़ वाला फॉन्ट वाला ये यहाँ से कहाँ चला गया अच्छा तो देखो यहाँ आ जाते हैं फॉन्ट पे सीधा ही किस चीज़ पे आ जाते हैं फॉन्ट पे फॉन्ट होता है बाई डिफॉल्ट कैलिब्री बाई डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है आजकल कैलिब्री है बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अपने आप यानी कि पहले से जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट और साइज़ होता है 11 का साइज कितना होता है 11 का साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट भाई साइज़ कितने का है 11 का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट लेकिन कम से कम कितने का साइज होता है आठ का फोनट के बारे में लिख रहा हूँ मैं किस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ ये फोट के बारे में लिख रहा हूँ और फोट के साइज़ के बारे में लिख रहा हूँ कि कम से कम साइज जो है वो कितना होता है कम से कम कितना होता है कम से कम मेन्यू बार से मेन्यू से कम से कम मेन्यू से कितना होता है आठ होता है कितना होता है आठ होता है और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है ज्यादा से ज्यादा आपका कितना होता है ये ज्यादा से ज्यादा होता है जी बहत्तर का कितना होता है बहत्तर का तो ये आठ से बहत्तर तक होता है कितना होता है आठ से बहत्तर तक होता है भाई ठीक है बात समझ में आ रही है आठ से बहत्तर तक होता है बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है ग्यारह होता है ठीक है ना अब ये बताना था कि बहत्तर जो होता है वो बराबर होता है एक इंच के किसके एक इंच के बराबर होता है यानी कि छत्तीस जो होता है वो जीरो पॉइंट फाइव इंच के बराबर होता है जीरो पॉइंट फाइव इंच के बराबर होता है जो ये होता है ठीक है ना क्लियर बात यहाँ तक और मैनुअली क्या चीज़ है मैनुअली मैनुअली का मतलब है हम अपने हाथों से किस कितना डाल सकते हैं साइज़ एक से लेकर के सोलह सौ अट्ठतीस तक डाल सकते हैं सोलह 16 तो सोलह सौ तक दे सकते हैं ठीक है ना एक से लेकर के सोलह सौ अट्ठतीस तक इसका साइज़ दे सकते हैं भाई किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं ठीक है ना सभी को नमस्ते भाई सभी को नमस्ते फोट की बात कर रहे हैं हम ये ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को यहाँ इलेवन का फ़ॉन्ट बाय डिफॉल्ट है ये ठीक है ना क्लियर हुई अब बी फोर बोल्ड बी फोर क्या है बी फोर बोल्ड है यहाँ लिख देता हूँ मैं बी फोर क्या है यहाँ पर बी का मतलब बोल्ड होता है फोट को बोल्ड करना और शॉर्टकट की इसकी क्या होती है कंट्रोल प्लस बी होती है आई का मतलब होता है इटैलिक करना आई का मतलब क्या होता है इटैलिक करना थोड़ा टेढ़ा सा अक्सर हो जाता है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई यू का मतलब होता है अंडरलाइन यू का मतलब क्या होता है अंडरलाइन होता है और अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू होती है क्या होती है कंट्रोल प्लस यू होती है तो बोल्ड है इटैलिक है अंडरलाइन है ये आउट है ये सबस्क्रिप्ट है ये सुपरस्क्रिप्ट है दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं आपसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पूछी जाती है आपसे होता क्या है और सुपरस्क्रिप्ट आपसे पूछा जाता है क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भाई सबस्क्रिप्ट क्या होता है कमेंट करके बताओगे जरा सबस्क्रिप्ट होता है फ़ॉन्ट का बेस लाइन से नीचे लिखा जाना फ़ॉन्ट का बेस लाइन से नीचे लिखना बेस लाइन से क्या लिखना बेस लाइन से नीचे लिखना ठीक है ना फोट का बेस लाइन से नीचे लिखना क्या होता है आपका सबस्क्रिप्ट होता है क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है एग्जाम्पल है इसका उदाहरण है ओ के पाओ में टू क्या है ओ के पाओ में टू इसका क्या है एग्जांपल है भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को हाँ जी बिल्कुल सही बात है इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी कंट्रोल प्लस इक्वल जो है इसकी शॉर्टकट की रहेगी सब माने छोटा छोटा की छोटी शॉर्टकट की है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट होता है आपका फ़ॉन्ट का या टेक्स्ट का कह लीजिए बेस लाइन से ऊपर लिखा जाना बेस लाइन से क्या लिखना बेस लाइन से ऊपर लिखना भाई ठीक है ना ऊपर लिखना बेस लाइन से ऊपर लिखना क्या हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है जैसे कि x की पावर टू ये इसका क्या है एग्जाम्पल है x की पावर टू इसकी जो शॉर्टकट की रहेगी वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस इक्वल जो है इसकी शॉर्टकट की रहने वाली है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की रहने वाली है क्लियर होगी बात सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई ठीक है ना और नहीं दिक्कत हो तो भी बता देना वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना अब आ जाती है बात फोंट का साइज़ बड़ा करना फोंट का साइज़ छोटा करना ठीक है ना फोंट का साइज़ बड़ा और छोटा करने की शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है फोंट का साइज़ बड़ा करना फोंट साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं हम फोंट साइज़ क्या करना चाहते हैं बड़ा करना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये वाला एरो का निशान दबाना पड़ेगा ठीक है ना ये वाला जो है एरो का निशान हमें दबाना पड़ेगा और अगर हम फॉन्ट का साइज़ जो है छोटा करना चाहते हैं फॉन्ट का साइज़ छोटा करना हो फ़ॉन्ट का साइज़ अगर हमें क्या करना हो छोटा करना हो तो हम इसे उल्टा कर देंगे कंट्रोल प्लस क्या कर देंगे भाई हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का निशान ले आएंगे वो ग्रेटर देन का निशान है ये लेस देन का निशान है ठीक है ना ग्रेटर देन और लेस देन का निशान हम ले आएंगे भाई यहाँ पर बात क्लियर होगी सभी को ठीक है ना ये थीम लगाने के बारे में है थीम कैसे लगेगी और इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ये आपके फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर है ये आपका फ़ॉन्ट का कलर है ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग होता है ये क्या होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग होता है क्या होता है ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग होता है भाई ये क्या होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग होता है अब बच गया ये ये आपका क्या होता है ये आपका होता है चेंज केस ये आपका क्या होता है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको ये होता है आपका चेंज केस होता है भाई क्या होता है ये आपका चेंज केस होता है, है यानी कि केस को बदलना है हमने कैसे बदल सकते हो दो तीन प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं क्या है दो तीन प्रकार से कैसे बदल सकते हैं इसको हम दो तीन प्रकार से एक तो होता है सेंटेंस केस क्या होता है लिख के बताओ क्या होता है सेंटेंस के एक, एक होता है लोअर केस एक होता है अपर केस एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड एक होता है टगल केस तो ये होते हैं इस प्रकार से ठीक है तो बताओ भाई बताओ भाई ठीक है ना बताते रहो हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बताते रहो सेंटेंस केस में क्या होता है वाक्य का पहला अक्षर बड़ा ठीक है ना वाक्य का पहला अक्षर बड़ा ठीक है ना वाक्य का पहला अक्षर क्या, क्या करना पड़ेगा हमें पहला अक्षर बड़ा करना पड़ेगा पहला अक्षर बड़ा भाई ठीक है ना लोअर केस में क्या करना पड़ेगा सभी अक्षर स्मॉल लेटर में सभी अक्षर सभी अक्षर क्या होंगे स्मॉल लेटर में होंगे भाई क्या होंगे स्मॉल लेटर में होंगे सभी अक्षर अपर केस में क्या होगा सभी अक्षर कैपिटल लेटर में होंगे भाई ठीक है ना क्या होंगे सभी अक्षर कैपिटल लेटर में होंगे किस में होंगे कैपिटल लेटर में होंगे भाई ठीक है ना कैपिटल लेटर के अंदर होंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड हर शब्द हर शब्द का हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हर शब्द का पहला अक्षर जो है वो क्या होगा बड़ा हो जाएगा पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा हर शब्द का ठीक है ना इसमें सभी अक्षर कैपिटल इसमें सभी अक्षर स्मॉल इसमें वाक्य का पहला अक्षर बड़ा इसमें हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा और इसमें टोगल केस यानी कि टोगल केस के अंदर ऐसे देखा जाता है तो वैसे इसमें एक टी छोटा है और सी छोटा बाकी सारे बड़े हैं लेकिन अगर करेंगे जो अक्षर बड़े हैं वो छोटे जो छोटे हैं वो बड़े जो अक्षर जो अक्षर बड़े हैं वो छोटे बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे यानी कि टोगल हो जाएगा छोटे हैं जो अक्सर बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे वो छोटे व इसके समान व इसके समान यानी कि बाकी चीज़ें इसके जैसी ही रहने वाली हैं बात समझ आ रही सभी को क्लियर होगी बात सभी को हाँ जी नहीं वो वो चीज़ अलग है हलीना सद ये नाम है और वो चीज़ अलग है वो ड्रॉप कैप होता है वो क्या होता है ड्रॉप कैप होता है भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को अब आ जाओ आगे इससे आगे यहाँ पर क्या है देखो ये अपना फ़ॉन्ट है ये अपना क्या है फ़ॉन्ट है और पूरे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है ये पूरा फोन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है पूरा फोंट डायलॉग बॉक्स क्या हो गया है ओपन हो गया है इस फोंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है कंट्रोल प्लस डी जो है फोंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है फोंट डायलॉग बॉक्स को फोंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है ओपन करती है फोंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है कौन सी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी करती है कंट्रोल प्लस डी करती है और ये वाली जो अब जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ ये इससे भी इम्पोर्टेंट है देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ से चीज़ें ठीक है ना और अब मैंने फोन डायलॉग बॉक्स ये पूरा का पूरा ओपन कर लिया है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है इसकी जो पी है आपको लाभ सिंह नैन ऐप पर मिलेगी इसकी जो पी आपको लाभ सिंह नैन ऐप पर मिलेगी गूगल प्ले स्टोर से लाभ सिंह नैन के नाम से ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना इसकी पीडीएफ और हो सकता है ये क्लास भी आपको जो है ऐप में भी मिल जाए ठीक है ना क्लियर है बात सभी को तो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको ऐप में ही मिल जाएगी ये पी भी जो है मिल जाएगी और सीरीज में क्लास जो है वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो देखो भाई अब सबसे पहले जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे वो क्या है पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोट का स्टाइल नहीं है तो फोट का स्टाइल कौन सा कौन सा होता है रेगुलर होता है इटैलिक होता है बोल्ड होता है ये तीन फोट के स्टाइल होते हैं फोट के क्या होते हैं स्टाइल होते हैं रेगुलर बोल्ड और इटैलिक तीनों क्या होते हैं फ़ोट के स्टाइल होते हैं ये अंडरलाइन स्टाइल जो है ये अलग होता है अंडरलाइन स्टाइल जो है ये सभी टेक्स्ट में आता है और ये क्या होता है अलग होता है और जो ये फ़ॉन्ट में हम पढ़ रहे हैं जो ये हम फ़ॉन्ट में पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा किसके अंदर में आता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर में आता है किस में अंदर आता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंडर में आता है भाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ये चीजें शामिल होती हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ये चीजें क्या है शामिल होती हैं भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को क्लियर होगी सभी को हाँ जी जी देखो अब जो है ये फ़ॉन्ट के इफेक्ट हैं आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल है या ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है या तो सारे इफेक्ट दे करके एक स्टाइल देगा पूछेगा कौन सा इफेक्ट नहीं है या सारे स्टाइल दे करके एक इफेक्ट देगा पूछेगा इनमें से कौन सा स्टाइल नहीं है स्ट्राइक थ्रो डबल स्ट्राइक थ्रो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट शेडो आउटलाइन एम्बोस एंग्रेव स्मॉल कैप्स ओल्ड कैप्स हिडन ये सब क्या हैं आपके इफेक्ट हैं ये सब क्या है फोट के इफेक्ट हैं भाई सारे के सारे ठीक है ना सारे के सारे क्या हैं फोट के ये इफेक्ट होते हैं तो ये फोट से संबंधित मैटर था फोट से संबंधित भाई ठीक है ना इसके बाद आ जाता है अपना ये फोट के बाद अपना जो अभी जो हमने पढ़ा है वो फोट फॉर्मेटिंग यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ा है क्या पढ़ा है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भाई क्या पढ़ा है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ा है और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम कौन सी कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम कौन सी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शामिल करते हैं वो है आपका स्टाइल फ़ॉन्ट का स्टाइल फ़ॉन्ट के स्टाइल इसके अंदर हम शामिल करते हैं फोट के इफ़ेक्ट हम इसके अंदर शामिल करते हैं फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट जो है इसके अंदर शामिल करते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल शामिल करते हैं अंडर स्टाइल शामिल करते हैं अंडरलाइन का जो स्टाइल है वो भी इसमें शामिल करते हैं ठीक है और आपका इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी इसी में शामिल करते हैं भाई सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है इसी के अंदर शामिल किया जाता है भाई ठीक है ना तो ये क्या है आपकी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग है भाई ये आपकी क्या है कैरेक्टर की क्या है फॉर्मेटिंग है भाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जिसे हम कहते हैं ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को अब आता है इधर इधर आता है अब आगे आता है अपना कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या आ जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाता है भाई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दोनों चीज़ों का कंपैरिजन होता है दोनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर शामिल होता है इंडेंटेशन होता है क्या होता है इंडेंटेशन होता है दूसरा अलाइनमेंट होता है क्या होता है अलाइनमेंट होता है और तीसरा क्या होता है इसके अंदर लाइन स्पेसिंग होता है क्या होता है लाइन स्पेसिंग होता है तो ये क्या होती है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है भाई क्या होती है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इसमें स्क्रीनशॉट uh, से भी देखेंगे हम एक बार इनके बारे में थोड़ा जैसे क्वेश्चन पूछा आता है वैसे हम लिख लेते हैं ठीक है ना क्लियर हुई बात तो कैरेक्टर इसके अंदर इंडेंटेशन आपका क्या होता है इंडेंटेशन आपका होता क्या है इंडेंटेशन क्या होता है इंडेंटेशन एच के द्वारा तो बहुत बार पूछा गया है तो इंडेंटेशन होता है मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी क्या होता है मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी टेक्स्ट के बीच की क्या होती है दूरी होती है भाई मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है इंडेंटेशन कहा जाता है भाई ठीक है ना और अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं आपके अलाइनमेंट राइट होता है राइट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइनमेंट होता है और आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है भाई ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगा मैं ठीक है ना और लाइन स्पेसिंग यानी कि लाइनों के बीच में क्या देना स्पेस देना होता है भाई ठीक है ना ये एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं भाई क्लियर है बात यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को ठीक है देखो आ जाओ अब आगे आ जाओ तो फोंट के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं फोंट के बाद हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर ये चीज़ जो होती है ये बुलेट होती है बुलेट्स होती हैं क्या होती हैं बुलेट्स होती है बुलेट्स यानी कि इस तरीके से आप निशान लगा सकते हो इस तरीके के निशान आप लगा सकते हो इस तरीके के निशान आप लगा सकते हो जैसे चाय दूध वगैरह दो दो तीन तीन आइटम लिखते हैं ना वैसे और ये होती हैं नंबर्ड ये क्या होते हैं आपके ये होते हैं आपके नंबर यानी कि नंबर आप लगा सकते हो क्या लगा सकते हो भाई आप नंबर लगा सकते हो एक दो तीन चार ऑटो नंबर की बात है ये ऑटोमेटिक नंबर अपने आप आगे लगते चले जाएंगे भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को और ये क्या होता है ये इसके बाद जो होती है ये एच सॉरी ये दिल्ली पुलिस ने पूछा था ये होती है आपकी मल्टी लिस्ट ये क्या होती है आपकी मल्टी लिस्ट होती है दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम मल्टी लिस्ट ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो क्या पता चला ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए क्या पता चला आपको क्या पता चला ऐड कर सकते हैं ना मल्टीलिस्ट को और ये होता है आपका इंडेंटेशन ये इंडेंटेशन है इंडेंटेशन कम करना और इंडेंटेशन ज़्यादा करना और ये है आपका इंडेंटेशन ये आपका पेज का मार्जिन है ये क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेज का मार्जिन है और पेज के मार्जिन से लेकर के और टेक्स्ट के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है इंडेंटेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है इंडेंटेशन कहा जाता है और ये दोनों होते हैं राइट इंडेंटेशन और लेफ्ट इंडेंटेशन राइट और लेफ्ट इंडेंटेशन इस साइड से राइट इंडेंटेशन भी होता है और लेफ्ट इंडेंटेशन भी होता है ये राइट होता है इधर से क्या होता है आपका लेफ्ट इंडेंटेशन होता है बात समझ में आएगी सभी को हाँ जी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भाई ये ए टू जेड आ गया यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ से हम सॉर्टिंग करते हैं भाई क्या करते हैं सॉर्टिंग कर सकते हैं यहाँ से सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में ए से लेकर के जेड तक या जेड से लेकर के ए तक या जीरो से लेकर के नौ तक या नौ से लेकर के ज़ीरो तक इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग उतरते और चढ़ते क्रम में इसको यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं आपसे पूछा जाएगा पैराग्राफ मार्क कहाँ होता है आपसे क्या पूछा जाएगा हर पैराग्राफ के बाद लगने वाला जो मार्क होता है वो पैराग्राफ मार्क कहाँ होता है कौन से टैब में होता है कौन से टैब की कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड के अंदर होता है कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड के अंदर होता है भाई तो सबसे पहले पैराग्राफ का जो मार्क होता है वो पैराग्राफ का मार्क होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है ये है आपका पैराग्राफ मार्क भाई ये क्या है आपका पैराग्राफ मार्क है भाई ये आपका ये क्या है पैराग्राफ मार्क है भाई पैराग्राफ मार्क ठीक है ना जिसको धुंधला दिखाई दे रहा है वो अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन फुल कर लें ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे क्योंकि ये स्क्रीनशॉट हैं और ये इसी तरीके से दिखाई देते हैं ठीक है ना आपको थोड़ा फुल रेजोल्यूशन पे देखना पड़ेगा अब आ जाइए अलाइनमेंट पर किस चीज़ पर आ जाते हैं अलाइनमेंट पर आ जाते हैं ये हैं अलाइनमेंट ये क्या है आपके अलाइनमेंट है ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है ये सेंटर है ये राइट right अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है तो अलाइनमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा ये जो पेज है अपना ये जो क्या है बिल्कुल ये जो पेज है अपना इस पेज में यहाँ से अगर शुरू करते हैं टेक्स्ट तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है कौन सा अलाइनमेंट है ये ये लेफ्ट अलाइनमेंट है अगर हम टेक्स्ट को इस साइड से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट है ये हमारा राइट right अलाइनमेंट है कौन सा अलाइनमेंट है राइट right अलाइनमेंट है और अगर हम टेक्स्ट को बिल्कुल बीच से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट है कौन सा अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट है भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को अब ये अब ये जो है आपका ये क्या है आपका ये जस्टिफाई है आप देख लो इसमें लेफ़्ट में और जस्टिफाई में क्या फ़र्क है इसमें डॉक्यूमेंट अकेला यहाँ नहीं आ सकता था इसने डॉक्यूमेंट को उठा करके यहाँ फेंक दिया और आगे की जगह खाली छोड़ दी लेकिन ये जगह खाली नहीं छोड़ने वाला ये जस्टिफाई करेगा यानी कि पूरा निर्णय करेगा पूरा सेट करेगा इस चीज़ को ठीक है ना ये होता है आपका जस्टिफाई क्या होता है ये होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है इन सभी अलाइनमेंटों की शॉर्टकट की कमेंट करो एक बार इन सभी अलाइनमेंटों की शॉर्टकट की कमेंट करें एक बार क्या होता है किस तरीके से होती है बताइए भाई किस तरीके से शॉर्टकट की इनकी होती है जस्ट अट चलो देखो क्लियर है ना यहाँ तक कोई नहीं सर आप पढ़ाओ सुन लेंगे वरना रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं पूरा नेट अच्छे अच्छा वो एक अलग बात है देखो देखा यहाँ लेफ्ट जो होता है कंट्रोल प्लस एल जो है इसकी शॉर्टकट की होती है लेफ्ट की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस एल होती है और राइट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस आर होती है और सेंटर की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ई e होती है कंट्रोल प्लस ई होती है सेंटर की ध्यान रखना ये विशेष है और जस्टिफाई की जो होती है वो कंट्रोल प्लस जे होती है भाई क्या होती है कंट्रोल प्लस जे होती है किसकी होती है कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट की होती है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत, 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 बहुत अच्छे बहुत होशियार पड़े हो यार तुम तो बस तुम तो मुझे ही सिखा रहे हो कुछ ना कुछ होशियार होशियार पड़े बिल्कुल 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 भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक का बटन दबा देना देख लेना ठीक है ना चलो देखो आगे आ जाओ कोई ना देखते हैं देखो समझते हैं अब इसके बाद क्या आ जाता है इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या है यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग क्या है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है भाई क्या है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग दी है यहाँ पर क्या दी है लाइन स्पेसिंग दी है और लाइन स्पेसिंग से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है जी राम राम भाई से को राम राम ठीक है ना लाइन स्पेसिंग दी है यहाँ पर तो लाइन स्पेसिंग देखो क्या होता है ठीक है ना और कैसी कैसी लाइन स्पेसिंग आपकी होती है देखो लाइन स्पेसिंग 1.15 बाय डिफॉल्ट होती है क्या होती है वन पॉइंट वन फाइव क्या होती है बाय डिफॉल्ट होती है वन पॉइंट वन फाइव ठीक है ना बाय डिफॉल्ट कितनी होती है वन पॉइंट वन फाइव होती है वन पॉइंट ज़ीरो हो सकती है वन पॉइंट फाइव हो सकती है टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट जीरो हो सकती है क्या हो सकती है लाइन स्पेसिंग हो सकती है लाइन स्पेसिंग से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ये बताइए कि जो लाइन स्पेसिंग होती है आपकी वो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग नहीं हो सकती तो लाइन स्पेसिंग मल्टीपल हो सक है सिंगल हो सकती है वन पॉइंट फाइव हो सकती है डबल हो सकती है एटलीस्ट हो सकती है एग्जैक्टली exactly हो सकती है ये लाइन स्पेसिंग के टाइप हो सकते हैं ठीक है ना सिंगल हो सकती है डबल आपको ऑप्शन में ट्रिपल मिलेगा आपको ऑप्शन में ट्रिपल देगा ध्यान रखना पूछेगा लाइन स्पेसिंग निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती आपको देगा सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीपल ठीक है ना मल्टीपल होती है लेकिन ट्रिपल नहीं होती सिंगल भी होती है डबल भी होती है वन पॉइंट फाइव भी होती है एटलीस्ट भी होती है exactly एग्जैक्टली भी होती है और मल्टीपल भी होती है लेकिन ट्रिपल नहीं होती है ठीक है ना लाइन स्पेसिंग से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो आपका पैराग्राफ होता, आप होता, होता है जो आपका क्या होता है पैराग्राफ होता है जो आपका पैराग्राफ होता है ये पैराग्राफ से स्पेसिंग है पैराग्राफ लिखते हो जहाँ आप पैराग्राफ लिख दिया है मैंने यह मैंने क्या है एक पैराग्राफ लिख दिया इसके बाद मैंने दूसरा पैराग्राफ लिख दिया इसके बाद फिर से मैंने तीसरा पैराग्राफ लिख दिया भाई ये तीसरा पैराग्राफ हो गया मेरा ठीक है ना तो इन्होंने क्या पूछा इन्होंने क्या पूछा कह रहा है कि पैराग्राफ के बीच में पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस हम दे सकते हैं ठीक है ना उन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में हम इतना स्पेस दे सकते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना स्पेस दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ठीक है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो पैराग्राफ के बीच में हम क्या नाम है ज़ीरो से लेकर के पंद्रह सौ चौरासी पॉइंट तक का स्पेस दे सकते हैं कितना स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे हम पंद्रह सौ चौरासी पॉइंट तक का स्पेस जो है दे सकते हैं भाई पंद्रह सौ चौरासी पॉइंट का पैराग्राफ से पहले भी और पैराग्राफ के बाद में भी हम जो है पंद्रह सौ चौरासी पॉइंट का पैराग्राफ के अंदर पेश दे सकते हैं भाई ठीक है ना बात क्लियर होगी पंद्रह सौ चौरासी अकेला दस नहीं ये दस तो वैसे लिखा है पंद्रह सौ चौरासी मैक्सिमम लिमिट है इसकी पंद्रह सौ चौरासी में हम यहाँ पर दे सकते हैं भाई ठीक है ना बात क्लियर होगी अब पैराग्राफ वाला मामला आपको क्लियर हो गया पैराग्राफ वाला मामला कि पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया ठीक है ना और पैराग्राफ के अंदर ये 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 पेज के बॉर्डर और शेडिंग के लिए होता है पैराग्राफ के या पैराग्राफ के बॉर्डर और शेडिंग के लिए होता है तो दो तीन कमांड क्लियर होगी अपनी क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट पैराग्राफ अब इस होम टैब के अंदर दो चीजें बची हैं, एक स्टाइल बचा है और एक स्टाइल बचा है और एक एडिटिंग बची है स्टाइल और एडिटिंग बची है भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात को तो देखो भाई स्टाइल और एडिटिंग दो चीजें बची हैं हमारी आ जाओ यहाँ पर एक तो ये स्टाइल बचा है यहाँ पे क्या है हम स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम स्टाइल जो है वो हम दे सकते हैं स्टाइल भाई सर दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर टफ होता है ना भाई ऐसी तो कोई बात नहीं कि टफ होता है ऐसा तो कुछ नहीं है कि टफ होता हो एक सेकेंड भाई आपके कमेंट चले गए मैं फिर से एक बार सेटिंग कर दूं जी बताएं सब कुछ होके चल रहा ना एक बार बताएं, चीज़ें सब कुछ होके चल रही हैं जी देखो भाई आ जाओ रुक रुक के बोला करो एक साथ बोलते समझ में नहीं आता <laughs> रुक रुक के ही तो बोल रहे हैं मतलब एक कमांड करने के बाद तो रुक रुक के बोल रहे हैं

ठीक है ना सभी के सुटेबल समझाने का फर्ज़ है मेरा तो सभी को समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है आपका कई बार मैं कमें कमेंट नहीं पढ़ रहा पढ़ पा रहा हूँ आपका जो भी कमेंट है अगर मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ तो अच्छी बात है अदरवाइज सात चालीस चालीस सात छः दो आठ एक पर व्हाट्सअप कर देना अगली क्लास में वो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को जी देखो भाई तो देखो स्टाइल में ये सारे के सारे क्या हैं आपके हेडिंग के स्टाइल हैं हेडिंग का स्टाइल है या नो स्पेस यानी कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना हो और टाइटल का स्लाइड है सॉरी स्टाइल है सब टाइटल का स्टाइल है और सब टाइटल में एम्ब्रोस या ए, इस तरीके के स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं भाई ठीक है क्लियर होगी बात सभी को <laughs> जी जी थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच देखो इसके बाद एडिटिंग आता है इसके बाद क्या आता है एडिटिंग टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप ज्वाइन कर सकते हो आपसे पूछा जाएगा एडिटिंग में कौन सी कमांड नहीं होती एडिटिंग में कौन सी कमांड नहीं होती है दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका दिल्ली पुलिस में एडिटिंग में कौन सी कमांड नहीं होती और पूछा गया था वहाँ पर फाइंड रिप्लेस गो टू और एक कमांड और दी गई थी कौन सी क्लिप बोर्ड की कट कॉपी पेस्ट में से एक कमांड दी गई थी फॉर्मेट पेंटर जिसको हम कहते हैं क्लियर होगी बात सभी को ठीक है ना फाइंड फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है कमेंट करके बता दो फटाफट फाइंड फट. की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एफ होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस क्या होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी टी आर एल प्लस एच होती है और सेलेक्ट और गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है गो टू की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस जी होती है भाई ठीक है ना कंट्रोल प्लस सी टी आर एल कंट्रोल प्लस जी होती है कंट्रोल प्लस जी होती है भाई क्लियर होगी बात सभी को ये एडिटिंग वाले मामले के अंदर आता है किसके अंदर आता है ये चीज़ें ये एडिटिंग वाले मामले के अंदर आता है क्लियर है ना सभी को हाँ जी आप सही है सर जी जी कोशिश करेंगे भाई आपके अनुसार पढ़ाने की क्योंकि आप नहीं समझे तो फिर फायदा क्या मेरा यूट्यूब पे खड़े होने का ठीक है ना इसके बाद आ जाओ होम मेनू के बाद कौन सा मेनू आता है होम मेनू के बाद कौन सा मेनू आता है इंसर्ट मेनू कौन सा यानी इंसर्ट टैब यहां पहले मेनू होते थे अब टैब होते हैं होम टैब हम पढ़ चुके हैं अब कौन सा टैब आता है इंसर्ट टैब आता है कौन सा टैब आता है इंसर्ट टैब आता है भाई ठीक है ना इसका आंसर क्या होगा किसका आंसर अरे वो उसमें फाइंड रिप्लेस और टू होते हैं बाकी चीज़ें जो है वो क्लिप बोर्ड में होती हैं उसमें तीन ही कमांड होती हैं एक फाइंड है एक रिप्लेस है एक सेलेक्ट है, है और वैसे टू होता है उसके अंदर ठीक है ना तो यहाँ कौन से कौन से टैब हैं ये भी इंसर्ट टैब हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में सबसे पहले पेजेस के बारे में है फिर टेबल्स के बारे में है इंपॉर्टेंट एलुस्ट्रेशनस के बारे में है और एड इंसर्ट के बारे में है आगे मीडिया के बारे में है टेक्स्ट के बारे में है और सिंबल और इक्वेशन के बारे में है। ठीक है? देखें। तो पेजेस के बारे में क्या है पेजेस के बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे पेज ब्रेक की शॉर्टकट की जरूर पूछी जाती है पेज ब्रेक आपका कौन सा होता है कौन सी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर इसकी शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की ठीक है ना कंट्रोल प्लस एंटर और HSSC ने इसके सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक दो बना दिए थे सॉफ्ट पेज ब्रेक और कौन सा पेज ब्रेक बना दिया था हार्ड पेज ब्रेक ये दो बना दिए थे एच एस एस सी ने ठीक है ना एच एस एस सी ने इन दोनों को बना दिया था सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या कहा था फिर एच एस एस सी ने कहा था कि सॉफ्ट पेज ब्रेक वो पेज ब्रेक होता है जो ऑटोमेटिकली अगला पेज ले लेता है ऑटोमेटिकली ऑटोमैटिकली अगला पेज ले लेता है भाई ठीक है ना ऑटोमेटिकली अगला पेज ले, ले लेता है ठीक है ना ऑटोमैटिकली अगला पेज ले, ले लेता है वो होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक होता है कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से जो है हार्ड पेज ब्रेक आता है क्लियर होगी बात सभी को यहां से यही बातें थी जो स्टार्टिंग वाली बात थी तो यही बात थी इसके बाद देखो क्लियर होगी बात यहां तक इसके बाद देखो इसके बाद आते टेबल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ग्रुप ऑफ कमांड कह लीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला आ, क्या बोलते हैं इसको टैब टैब में से ग्रुप ऑफ कमांड टेबल ठीक है ना वैसे तो सबसे ज़्यादा होम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इंसर्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंसर्ट से टेबल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सर नमस्कार द कंप्यूटर डायरी नमस्ते सर बहुत बहुत स्वागत है सर आप आते रहा करिए मुझे मोटिवेट करते रहा कीजिए आपको देख के मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ फिर थोड़ा बहुत थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सो मच टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं ठीक है ना तो सर का स्वागत किया करो भाई सभी द कंप्यूटर डायरी ये अपने कंप्यूटर के शख्सियत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी तो सर का स्वागत जरूर किया करें और बहुत ही अच्छे स्वभाव के अच्छे नेचर के अध्यापक हैं तो देखो भाई टेबल इंसर्ट्स में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के अंदर टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे देखो टेबल इंसर्ट करने का तरीका एक तो डायरेक्ट ये है कि कितनी रो कितने कॉलम लेने हैं कितनी रो कितने कॉलम हमने यहाँ लेने हैं एक तरीका इंसर्ट टेबल करके हम कर सकते हैं दूसरा तरीका ठीक है ना ड्रॉ टेबल करके कर सकते हैं पेंसिल से तीसरा तरीका ठीक है ना ड्रॉ टेबल करके कर सकते हैं पेंसिल से हम कर सकते हैं ठीक है ना सबसे पहले इंसर्ट करके करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इंसर्ट करके हम करेंगे भाई ठीक है ना इंसर्ट टेबल में कम से कम कितनी रो ले सकते हैं सॉरी कम से कम कितनी रो और कितने कॉलम ले सकते हैं टेबल में कम से कम कितनी रो और कितने कॉलम ले, ले सकते हैं टेबल में कम से कम कितनी रो और कितने कॉलम ले सकते हैं कम से कम कितनी रो व कितने कॉलम ले सकते हैं टेबल में कम से कम कितनी रो व कितनी कॉलम ले सकते हैं भाई बताओ कमेंट करके बताओ फटाफट कितने कॉलम ले सकते हैं कितनी कितने रो व कितने कॉलम ले सकते हैं एक टेबल के अंदर ठीक है ना एक टेबल में कितने कॉलम कितने रो ले सकते हैं कमेंट करके बताओ फटाफट उसके बाद मैक्सिमम कॉलम कितने ले सकते हैं उसके बाद क्या पूछेंगे आपसे कि मैक्सिमम कॉलम कितने ले सकते हैं मैक्सिमम कॉलम कितने ले सकते हैं उसके बाद आपसे मैक्सिमम रो भी पूछ सकता है ठीक है ना क्या पूछ सकता है मैक्सिमम रो भी आपसे पूछ सकता है मैनुअली सॉरी मैन्युअली नहीं क्या आ, क्या बोलते हैं इसको बाई मेन्यू बाई मेन्यू मेन्यू से मैक्सिमम रो हम कितनी ले सकते हैं ठीक है ना कितनी ले सकते हैं भाई बताओ फटाफट कोई बात नहीं कोई बात नहीं वन रो वन कॉलम कितनी ले सकते हैं वन रो वन कॉलम इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा एक तो रो ले सकते हैं और एक ले सकते हैं कॉलम भाई एक रो और एक कॉलम ले सकते हैं मैक्सिमम कॉलम हम कितने ले सकते हैं सिक्सटी थ्री कितने ले सकते हैं सिक्सटी थ्री ले सकते हैं मैक्सिमम कॉलम हम ज़्यादा से ज़्यादा रो कितनी ले सकते हैं जी सर नमस्कार हरियाणा जी के धुरंधर हरियाणवी भाषा मुझे भी सिखाने वाले एच आर जी के बिक के हमारे बीच में बता रहे हैं तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है मैक्सिमम रो बाय मेन्यू अगर पूछे वैसे तो मैक्सिमम रो की कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम रो की कोई लिमिट नहीं होती लेकिन बाय मेन्यू से अगर पूछे तो इसमें हम बत्तीस हज़ार सात सौ सतासठ रो तक ले सकते हैं बाय मेन्यू अगर पूछे तो बत्तीस हज़ार सात सौ सतासठ तक हम ले सकते हैं भाई क्लियर होगी बात सभी को बत्तीस से सात सौ सतासठ तक हम ये चीज़ ले सकते हैं भाई ठीक है ना यहां कर दूँ इसको कोई दिक्कत नहीं कोई इशू तो नहीं चलिए देखिए क्लियर होगी बात यहाँ तक तो दिल्ली पुलिस में और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं भाई देखो हाँ जी हाँ जी बीके सर का स्वागत किया जाए भाई बिल्कुल धूमधाम से स्वागत किया जाए देखो कहाँ आए हुए थे हम हाँ जी तो टेबल से क्वेश्चन किस प्रकार के कई बार पूछे जाते हैं टेबल से क्वेश्चन जो है किस प्रकार के कई बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ ठीक है ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार टेबल से पूछे जाते हैं मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ ठीक है ना ये क्या है हाँ अपनी ये टेबल है अपनी ये क्या अपनी हाँ टेबल है भाई हाँ 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 ओके रिपोर्ट है जी ओके रिपोर्ट है बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल जी 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 सॉरी <coughs> सॉरी <coughs> <Sorry. coughs> <Sorry. coughs> भाई सॉरी जैसे ही हम टेबल ले लेते हैं जैसे ही हम क्या ले लेते हैं टेबल ले लेते ले हैं ले ले जैसे ही हम ये टेबल ले लिया हमने टेबल लेते ही दो ऑप्शन और दो टैब और खुल जाते हैं दो टैब और खुल जाते हैं जैसे ये टैब था ना इंसर्ट टैब ऐसे दो टैब और खुलेंगे, क्या क्या टैब खुलेंगे टेबल का डिज़ाइन का टैब खुलेगा टेबल का डिजाइन टैब खुलेगा और टेबल का लेआउट आउट टैब खुलेगा क्या खुलेगा टेबल का लेआउट आउट टैब खुलेगा दो टैब खुलेंगे एक टेबल का डिजाइन एक टेबल का लेआउट आउट टैब दो टैब अलग से खुलेंगे भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को अरे ये तो आप लोगों का प्रेम प्यारा है गुरुदेव आता जाता कुछ नहीं बस कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत आपको सीख करके आपको देख करके सीख रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री की तरह मेरी भी जुबान जो है इधर उधर हो जाती है थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसके लिए माफी चाहता हूँ देखो टेबल के डिजाइन के अंदर तो इसके डिजाइन बन जाते हैं कि मतलब रंग वगैरह भरना टेबल के लेआउट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक तो इंपॉर्टेंट चीज है डिलीट की एक इंपॉर्टेंट चीज है मर्ज की मर्ज एक इंपॉर्टेंट चीज है इंसर्ट की इंसर्ट ठीक है ना इंसर्ट डिलीट और मर्ज ये तीन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इंसर्ट मर्ज और डिलीट क्या क्या है इंसर्ट करना इंसर्ट करना का मतलब होता है रो इंसर्ट करना कॉलम इंसर्ट करना यानी कि एक रो और बढ़ाना एक कॉलम और बढ़ाना ठीक है ना अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं लेफ़्ट में बढ़ाना है राइट में बढ़ाना है लेफ़्ट में बढ़ाना है या राइट में बढ़ाना है तो जहां भी हमारा कर्सर होगा उसके हम लेफ़्ट साइड में कॉलम बढ़ा सकते हैं या तो या तो राइट साइड में कॉलम बढ़ा सकते हैं ठीक है ना लेफ़्ट में बढ़ा सकते हैं और राइट में भी कॉलम बढ़ा सकते हैं और अगर हमारा हमने रो ऐड करनी है और हमारा कर्सर यहाँ पर है तो रो हम इससे ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और इससे नीचे भी ऐड कर सकते हैं रो ऊपर और नीचे ऐड कर सकते हैं और कॉलम जो है राइट और लेफ्ट दोनों जगह ऐड कर सकते हैं अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे से हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट सेल के अंदर कर्सर है कहाँ है कर्सर लास्ट सेल के अंदर कर्सर है और मैंने दबा दिया टैब मैंने क्या दबा दिया ध्यान से सुनना टैब दबा दिया तो क्या होगा तो क्या होगा नई रो इंसर्ट हो जाएगी एक रो नई बनेगी या या तो एक रो नहीं बनेगी या ये कर्सर बाहर चला जाएगा या ये कॉलम डिलीट हो जाएगा होगा क्या तो लास्ट सेल के अंदर कर्सर रखने पर टैब दबाने पर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी ध्यान रखना इस बात का क्या दबाने पर टैब दबाने पर भाई क्या दबाने पर टैब दबाने पर नई रो इंसर्ट हो जाएगी ठीक है ना टैब दबाने पर नई रो इंसर्ट हो जाएगी भाई ठीक है ना नई रो क्या हो जाएगी इंसर्ट हो जाएगी भाई ठीक है ना क्लियर हो गई बात सभी को नई रो इंसर्ट हो जाएगी ठीक है ना ये लिखाई मेरी थोड़ी ऐसे ही एडजस्ट कर लेना ठीक है और फिर पूछा था एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा था आप कमेंट करके मुझे बताओगे मुझे कमेंट करके बताओगे अभी बताओगे और सभी के सभी बताओगे अभी बताओगे और सभी के सभी बताओगे पूछा क्या था जिस रो में कर्सर है जिस सेल के अंदर कर्सर है उस सेल से पीछे वाली सेल यानी कि लेफ्ट साइड वाली सेल ये राइट right है ये लेफ्ट है यानी कि यहाँ कर्सर है इससे पीछे वाले यानी कि लेफ्ट वाली सेल का कंटेंट सेलेक्ट करना है उसकी शॉर्टकट की क्या है किसी सेल के अंदर कर्सर है उस सेल से लेफ्ट साइड की सेल का कंटेंट सेलेक्ट करना है उसकी शॉर्टकट की क्या है यानी कि यहां पर 20 लिखा था 20 और यहां पर हमारा कर्सर है ये कर्सर उठ के इसको सेलेक्ट करे इसकी शॉर्टकट की क्या है ठीक है ना आगे जाने के लिए तो हमारी शॉर्टकट की थी टैब अब कह रहा है पीछे आने के लिए शॉर्टकट की क्या है और वैसे ये ऊपर नीचे जाने के लिए एरो का इस्तेमाल होता है इसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है इसमें एरो का इस्तेमाल इसमें होता है भाई बात समझ आ रही सभी को सभी को बात समझ में आ रही है प्रणाम भाई प्रणाम बबली प्रणाम तो इसको बैक लेकर आने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी शिफ्ट प्लस टैब क्या रहेगी शिफ्ट प्लस टैब रहेगी वापस लेकर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे भाई यहां पर क्या दबाएंगे शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे भाई ठीक है ना शिफ्ट प्लस टैब से क्या आ जाएगा ये वापिस आ जाएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा वापसी कर देगा जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं भाई क्लियर होगी बात सभी को बहुत दिनों बाद आए जी 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 स्वागत है भाई आपको स्वागत है यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस ने बता दो फटाफट बता दो दिल्ली पुलिस ने यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछे हैं यहीं से वो क्या क्वेश्चन पूछे हैं बता दो जल्दी बता दो जिस चीज़ को पता है यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है वो बता दो देखो यहाँ लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा है भाई कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा है लिखा ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा लिखा भाई इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है ये कहाँ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये होम टैब के अंदर सॉरी इंसर्ट टैब के अंदर और टेबल के ग्रुप के अंदर है टेबल के ग्रुप के अंदर है और क्या है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है प्रिया राजपूत वो भी पूछा था बिल्कुल सही बात है वो भी पूछा था ये भी पूछा था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या होता है ये इसका मतलब होता है ये कह रहा है कि अगर हमने अगर हमने डॉक्यूमेंट में डेटा लिख रखा है डॉक्यूमेंट में लिखे गए डॉक्यूमेंट में लिखे हुए डेटा डॉक्यूमेंट में लिखे हुए डेटा डॉक्यूमेंट में लिखे हुए डेटा की डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे टेबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे क्या कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे भाई बात रही सभी को तो इसके बाद आता है क्विक टेबल्स क्या आता है क्विक टेबल्स आ गया भाई इसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन टेबल में सबसे नीचे वाला ऑप्शन है क्विक टेबल क्या है सबसे नीचे वाला ऑप्शन क्विक टेबल है क्विक टेबल किस लिए यूज होता है क्या पूछा था दिल्ली पुलिस वाले भाइयों ने कि क्विक टेबल किस लिए यूज़ होता है भाई क्विक टेबल क्यों यूज़ करते हैं क्विक टेबल यूज़ होता है कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्स में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए भाई कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए ठीक है ना कैलेंडर इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्विक टेबल टेबल के अंदर क्विक टेबल टेबल कहाँ है इंसर्ट के अंदर इंसर्ट के अंदर टेबल है टेबल के अंदर क्विक टेबल है बात समझ में सभी को क्लियर होगी यहाँ तक की बातें क्विक टेबल भाई ये था टेबल वाला मामला ये क्या था टेबल वाला मामला अब इसमें मर्ज और डिलीट तो रह गया सॉरी डिलीट भी सेम होता है जहां कर्सर हो अगर आप डिलीट करोगे तो वो पूछेगा कौन सी चीज़ डिलीट करनी है सेल डिलीट करनी है रो डिलीट करनी है कॉलम डिलीट करना है अगर सेल डिलीट करनी है तो कौन सी सेल डिलीट करनी है अगर ये सेल डिलीट करनी है तो बाक़ी वाली सेलों को कहाँ लेकर जाऊँ मैं लेफ़्ट लेकर आऊँ या इनको राइट लेकर जाऊँ या नीचे वालियों को ऊपर लेकर आऊँ तो ये आपसे कंप्यूटर बार बार पूछेगा जैसा आप आदेश दोगे वैसा ही फिर कंप्यूटर क्या करेगा काम करेगा भाई ठीक है ना वैसा ही कंप्यूटर क्या करेगा फिर काम करेगा क्लियर होगी होगी बात सभी को उसी हिसाब से और मर्ज क्या होता है ठीक है ना मर्ज जैसे आप लोगों को सभी को जॉब की मर्ज लगी पड़ी है तो मर्ज क्या होती है मर्ज होता है मिलाना मर्ज क्या होता है मिलाना होता है और ये वो वाला मिलाना नहीं है ठीक है ना ये वो वाला मिलाना यानि कि मिलन नहीं है ये मिलन नहीं है कभी आप ये सोचो मिलन हो गया ठीक है ना तो इसमें मिलन तो होगा लेकिन सेलों का मिलन होगा दो सेल जो हैं आपस में मिल जाएंगी ये ये दो सेल थी ये दो सेल थी यहाँ डोटेड सेल थी ये दोनों सेल क्या है आपस में मैंने क्या कर दी मर्ज कर दी आपस में मैंने क्या कर दी मर्ज कर दी हैं ये दोनों की दोनों सेल ठीक है ना क्लियर होगी होगी बात सभी को तो इस तरीके से हम दो दो सेलों को तीन तीन सेलों को पूरी की पूरी रो को पूरे के पूरे कॉलम को आपस में हम क्या कर सकते हैं मर्ज कर सकते हैं आपस में हम क्या कर सकते हैं मर्ज कर सकते हैं भाई ठीक है ना क्लियर होगी होगी बात सभी को तो इसके बाद इसके बाद जो हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आज का लास्ट टॉपिक है भाई ठीक है ना ये आज का लास्ट टॉपिक है देखो उसके बाद यहाँ मीडिया है उसके बाद क्या है यहाँ पे मीडिया है उसके बाद लिंक्स है इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता हाँ बुक मार्क की शॉर्टकट की अगर पूछे तो कंट्रोल प्लस जी बता सकते हो आप क्या बता सकते हो कंट्रोल प्लस जी बता सकते हो और यहाँ लिंक है ये वो वाला लिंक नहीं है भाई ठीक है ना तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंसर्ट में है ये क्या हैडर और फूटर हैडर और फूटर इंसर्ट के अंदर है इंसर्ट में क्या है हेडर है और फूटर है हेडर फूटर कहाँ होते हैं ये हमारा इस तरीके से क्या होता है पेज होता है ये हमारे मार्जिन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं मार्जन होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं बिल्कुल होते हैं तो हमारा हेडर कहाँ होता है हमारा हेड यानी कि हेड पेज के टॉप मार्जिन में होता है कहाँ होता है पेज के टॉप मार्जिन में होता है और फूटर कहाँ होता है फूटर होता है बॉटम मार्जिन में कहा होता है बॉटम मार्जिन के अंदर होता है फूटर बॉटम मार्जिन में क्या होता है फूटर होता है एक हैडर होता है एक फूटर होता है तो हेडर तो यहाँ पर शामिल होगा हैडर हैडिंग से ऊपर होता है और फूटर यहाँ पर शामिल होगा कहाँ पर शामिल होगा फूटर यहाँ पर शामिल होगा इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं इसमें हम पेज नंबर दे सकते हैं इसमें हम ऑथर का नाम दे सकते हैं इसमें हम कंपनी का नाम दे सकते हैं ठीक है ना जो बेड कंपनी आप ज्वाइन किए हो उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हो ठीक है ना बदमाश कंपनी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो कहने का मतलब अपनी कंपनी ऑथर का नाम पेज नंबर अपने सिग्नेचर एट्सट्रा एट्सेट्रा आप यहाँ पर क्या है ऐड कर सकते हो क्लियर हो गई होगी बात है तो इसके बाद हम चलो ये कर ही लेते हैं आज कवर कर ही देते हैं ये टेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टेक्स्ट में क्या क्या है यहाँ पर तारीख डाल सकते हो आप यहाँ पर आप स्पेश ऑटो टेक्स्ट डाल सकते हो क्या डाल सकते हो ऑटो टेक्स्ट डाल सकते हो ऑटो टेक्स्ट क्या होता है अपने आप लिखा गया टेक्स्ट यानी कि मिस्टर है यानी कि ऐसे है जो मिस्टर है मिसज है या एम एस है या इस तरीके से जो चीज़ें लिखी होती हैं ना ये ऑटो होती हैं कंप्यूटर के अंदर ये ऑटो होती हैं ऑटो में लिखी जा सकती हैं ठीक है ये टेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ इक्वेशन और सिंबल है इक्वेशन और सिंबल कौन से ग्रुप के अंदर है सिंबल ग्रुप के अंदर है सिंबल ग्रुप कहाँ है? है इंसर्ट के अंदर है सिंबल कहाँ है इंसर्ट के अंदर है सिंबल में कौन सी कौन सी कमांड है दो कमांड है एक इक्वेशन है और एक है. सिंबल है भाई ठीक है क्लियर होगी बात तो ये इक्वेशन है अगर हमने इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो इक्वेशन के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और अगर हमने सिंबल इंसर्ट करने हैं जैसे कि अल्फ़ा का है बीटा का है गामा का है लेमड़ा है नल है डेल्टा है ठीक है ना फाई है, पाई है भैया पाई है ये इस तरीके के सिंबल अगर हमें इंसर्ट करने हैं जो दुर्लभ सिंबल होते हैं जिन्हें आप कीबोर्ड से कई बार टाइप नहीं कर सकते तो तो क्या होता है तो फिर ये होता है ठीक है ना यहाँ से इंसर्ट हो सकते हैं और अगली स्लाइड थैंक यू सो मच है यानी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और समझ में आ गई हो तो भी बताना सेशन अच्छा रहा या जैसी भी रहा आप मुझे ज़रूर बता देना ठीक है ना तो आज हमने होम और इंसर्ट दो कंप्लीट कर लिए हैं क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली है आज हमने होम कंप्लीट कर लिया है और हमने इंसर्ट से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भाई ठीक है ना होम और इंसर्ट कंप्लीट कर दिया है आगे की चीजें जो है कल हम पढ़ेंगे भाई ठीक है ना ठीक है ना रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल राज राजन सोनी इनके एग्जाम्पल जो आप पूछ रहे हो आते रहेंगे आते जाते रहना है ना आते रहेंगे भाई ठीक है ना आते रहेंगे राजन सोनी डोंट वरी अभी तो एक्सेल शुरू नहीं किया ना फर्स्ट टाइम कंटेंट पढ़ के इतना मज़ा आया रोनी थैंक यू सो मच गीता रानी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पीडीएफ में शेयर करने वाला हूँ ऐप में और शायद ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाए ठीक है ना? शायद कोशिश करूँगा पीडीएफ ऐप में भी देने की और टेलीग्राम पे भी देने की ठीक है ना? गाना तो बनता है सर गाना मना दे नहीं यार गाना गुना कड़ा हुआ मना है सर टाइम चेंज कब करोगे क्लास का टाइम चेंज भी करेंगे भाई करेंगे टाइम चेंज भी, करेंग भी करेंगे <laughs> करेंगे टाइम से थैंक यू सो मच जय हिंद राम राम सभी को थैंक यू सो मच